हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं न्यू अपडेट सीबीएसई बोर्ड की ओर से। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो 2022-23 सेशन आपका है उसमें आपका जो पेपर पैटर्न है वो पैटर्न आपका कैसे रहने वाला है, क्या चेंजेस हैं, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेट आप देख सकते हो 20th of May 2022 का ये सर्कुलर है सीबीएसई की ओर से, ठीक है। और जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि कोविड के कारण आपकी बार जो डिस्टर्बेंस रही है एग्ज़ाम्स को लेकर, फिर चाहे वो 10th के हैं या 9th के हैं, 12th के हैं, 11th के हैं, सारे जो एग्ज़ाम रहे हैं आपके 9th to 12th वो सारे ही डिस्टर्ब रहे हैं। और जो पूरा सेशन था उसको जो है 2 स्कीम्स में बांटा गया, टर्म 1 टर्म 2 में बांटा गया। टर्म 1 जैसे कि आपको पता है कि अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो वो ऑब्जेक्टिव पेपर था, एंड टर्म 2 जो है आपका सब्जेक्टिव पेपर है जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं। क्या 2022-23 में भी ऐसा ही कुछ रहने वाला है या कुछ चेंज है, तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जो 2021-22 का सेशन हमारा रहा उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो पेपर पैटर्न है आपका 40+10 जो है किया गया, 40 का आपका जो एग्ज़ाम है वो लिया गया पेन पेपर टेस्ट, और 10 आपके इंटरनल असेसमेंट के थे। और इसी तरह से जो सब्जेक्टिव पेपर अभी आपका है वो भी 40+10 का, और इस तरह से आपका 100 का पेपर हो जाता है। और वेटेज के बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर सीबीएसई की ओर से नहीं आया है कि टर्म 1 टर्म 2 में कितना परसेंट वेटेज जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही कुछ भी सर्कुलर आता है वो आपको बता दिया जाएगा। और अब जो पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, चेंजेस फॉर क्लासेस 9th to 12th 2022-23 इंटरनल ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन आर एज डिटेल्ड। 9th and 10th की अगर हम सबसे पहले बात करें तो ईयर एंड एग्जामिनेशन यानी बोर्ड एग्जामिनेशन थ्योरी की हम बात करेंगे तो 2021-22 सेशन की अगर हम बात करें तो एग्जिस्टिंग जो स्कीम है वो इस सर्कुलर नंबर जो दिया गया है इसके तहत जो है, जो सर्कुलर आया था 5th July 2021 को, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि बच्चों हम जानते हैं टर्म 1 टर्म 2 में आपका पूरा पेपर पैटर्न था। टर्म 1 आपका ऑब्जेक्टिव था, फिर आपका सब्जेक्टिव था। अब देखिए यहाँ पे 22-23 की बात करें तो अब की बार आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका एनुअल स्कीम बेस्ड रहेगा, यानी टर्म 1 टर्म 2 इस तरह की कोई स्कीम आपकी नहीं रहने वाली है, आपका एनुअल स्कीम रहेगा। यानी आपके एंड ईयर में जो एग्ज़ाम होंगे वही फाइनल एग्ज़ाम होंगे, पूरा सिलेबस आपका फाइनल ईयर में आएगा जैसे आपका पहले होता था, तो एनुअल स्कीम रहेगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम आपकी बार जो पेपर है वो एनुअल स्कीम रहेगा या ऐसे ही जो सेमेस्टर सिस्टम है, जो टर्म 1 टर्म 2 का सिस्टम है ऐसे ही रहेगा। हालांकि जब सिलेबस आया था तो सिलेबस जो है कंप्लीट आपका उसमें लिखा गया था कि एनुअल स्कीम रहेगा, और मैंने इसके ऊपर आपको जो जितने भी सिलेबस थे आपके वो सारे मैंने सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कराया और साथ साथ बताया भी था कि बच्चों अब की बार आपका एनुअल स्कीम रहेगा। लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी, सिलेबस नहीं देखा, वो बच्चे बार बार जो है कमेंट करके पूछ रहे थे। तो बच्चों 22-23 सेशन में आपकी जो स्कीम रहेगी वो आपकी एनुअल स्कीम रहेगी। उसके बाद बात करें हम कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में देखिए अगर हम 21-22 सेशन की बात करें तो टर्म 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके थे, ठीक है, जो एमसीक्यूज आए थे असर्शन रीजन टाइप एमसीक्यूज थे 100% जो थे वो सारे, एंड 30% क्वेश्चन जो है उसमें आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे। और अगर टर्म 2 की बात करें तो उसमें आपके केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर जैसे 2 मार्क्स के आ रहे हैं क्वेश्चन, 3 मार्क्स के आ रहे हैं, 4 मार्क्स के आ रहे हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, 30% क्वेश्चंस जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं। अब अगर हम इस सेशन की बात करें 22-23 सेशन की बात करें तो उसमें जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी मिनिमम 40%, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके 40% रहेंगे, एंड दीज क्वेश्चंस जो है वो किस फॉर्म में रहेंगे, आपके एमसीक्यू फॉर्म में हो सकते हैं, केस बेस्ड हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके 20% रहेंगे, एंड रिमेनिंग जो 40% आपका रह गया वो आपके शॉर्ट जो है क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है।
तो ये आपका कंप्लीट आपका दिया गया है कि एनुअल स्कीम रहेगी आपके इस तरह से जो है 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जिसमें एमसीक्यूज केस बेस्ड सोर्स बेस्ड इस टाइप के रहेंगे, 20% आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, बाकी रिमेनिंग आपके 40% शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो आपके रहने वाले हैं जो अभी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। आप देखिए इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो कोई भी चेंज नहीं है इंटरनल असेसमेंट में। इंटरनल असेसमेंट एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा 20:80 यानी 80 का आपका एग्जाम रहेगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे जो आपके स्कूल से आपको मिलते हैं, जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, जो आपके जो प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं उनके जो मार्क्स लगते हैं, सारा साल जो आपकी असेसमेंट होती है उसके बेस्ड पे 20 मार्क्स को अलग अलग पैटर्न में बांट दिया जाता है। पीटीज के नंबर अलग रहते हैं, पोर्टफोलियो के अलग रहते हैं, प्रैक्टिकल्स के अलग रहते हैं, तो इस तरह से टोटल आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं एंड 20:80 मिलके हो जाते हैं आपके हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स। अब बात करते हैं क्लास 11th एंड 12th के लिए, तो ईयर एंड एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको इसी तरह से टर्म वन टर्म टू देखने को मिला है। और मॉडिफाइड अगर हम स्कीम की बात करें 22 एंड 23 सेशन के लिए तो वो एनुअल स्कीम रहेगी। लेसन एनुअल स्कीम रहेगी बच्चों, कोई यहाँ पे सेमेस्टर टाइप सिस्टम नहीं रहेगा कि टर्म वन अलग होंगे टर्म टू अलग होंगे, फिर टर्म वन का सिलेबस टर्म टू में नहीं आएगा, ठीक है। तो कंप्लीट आपका एनुअल स्कीम रहेगी, तो जो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है उसमें कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से रहे, काफ़ी बच्चे जो है यहाँ पे कन्फ्यूज़न है उनको, ठीक है। उसके बाद देखिए उसी तरह का कुछ पैटर्न यहाँ पे है कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो, अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें टर्म वन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 100%, ठीक है, और उस 100 में 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। अगर टर्म टू की बात करें तो केस बेस्ड है, सिचुएशन बेस्ड है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, 20% क्वेश्चन उसमें क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। अब जो आने वाला सेशन यानी 2022 एंड 23 का जो सेशन आएगा, मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज थ्री इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजिली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, सो जस्ट डाउनलोड फिलो नाउ। उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वुड बी मिनिमम 30% रहेंगे, ठीक है। ये हो सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं और एनी अदर टाइप हो सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके 20% रहेंगे और बाकी जो 50% का पैटर्न आपका रहेगा वो आपका शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि अब अगर आप सीबीएसई का पेपर देखो तो उसमें जैसे आपको जो है मिलेगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं, तो ये पैटर्न आपका रहेगा। बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की, तो इंटरनल असेसमेंट में भी कोई चेंज नहीं है, जो आपकी बार आपका था इंटरनल असेसमेंट उसी तरह से यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट आपका रहेगा, ठीक है। एंड इंटरनल असेसमेंट एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन जो भी है वो सारा करिकुलम डॉक्यूमेंट रिलीज फॉर द एकेडमिक सेशन, सारा सिलेबस जो है वो सीबीएसई की साइट पे आप देख सकते हो। सीबीएसई जो एकेडमिक साइट है वहाँ पर आपको सारा जो 9th to 12th का सिलेबस है हर सब्जेक्ट का वहाँ पर बहुत पहले ही अपलोड किया जा चुका है सीबीएसई की ओर से। वहाँ से आप कंप्लीट जो सिलेबस स्कीम है वो आप वहाँ से देख सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी 28 जो करिकुलम है आपका 28 अप्रैल 2022 का जो आपका सर्कुलर है उसके तहत जो है ये सारा इंडिविजुअल सिलेबस जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो दे दिया गया था। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। काफ़ी बच्चों की जो क्वेरीज थी वो यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो गया है आपको कि एनुअल स्कीम रहने वाला है और आप सिलेबस भी देख सकते हो, सारी वीडियोज़ जो है आपको चैनल पर मिल जाएंगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और एक नई अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।